ये हमारी तुलसी, आज चाची ने फिर इसमें कुछ खजर वजर। तो ये है नीमा दीदी का घर। हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नए व्लॉग में। आज मैं व्लॉग की शुरुआत सुबह से ही कर रहा हूँ क्योंकि अभी ठीक था मौसम। अभी थोड़ी देर पहले तो बारिश ही होने में थी, अब हल्की हल्की धूप सी आ रही है और इधर उधर बादल लगे हैं। तो मैंने सोचा अभी से व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। अभी चाची स्कूल से तो आ गई, अब मम्मी के आने की बारी है। और यहाँ पे है स्वराज, बिल्कुल बादल, उधर की तरफ तो बादल लगे हैं, वो देखो उधर ढका हुआ है और सेम इधर भी ढका हुआ है, इधर ही पूरा ढक रखा है बादल ने। अभी हल्की सी धूप आई, फिर लग रहा है दोबारा बारिश आई क्योंकि हल्का हल्का गर्म हो रहा है। मैंने सोचा नहाऊंगा पर मूड चेंज हो गया मेरा नहाने का, बारिश को देख के उल्टा धूप आ गया, मन कर रहा है नहाने का, पर देखते हैं क्या होता है। और ये हमारी घुघुती उड़ गया। हमारा माल्टे का पेड़, इसे आपने शहरों में मौसमी की तरह जो मौसमी का जूस मिलता है, थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो मौसमी हो जाता है, जब ये ज़्यादा पक जाते हैं तो हम इसे माल्टा कह देते हैं और हम खाते हैं इसे मस्त। और इसी के बगल में हमारा ये वाइट फ्लावर, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मुझे नाम तो पता नहीं है, पर ये वाइट फ्लावर है, इसमें कमी कम आ रखे हैं। पहले एक इधर भी था हमारा, इस तरफ एक वो लाल वो तो बहुत बड़ा था, ये छोटा सा है। और अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ते बढ़ते ये देखो मैं यहाँ चल रहा हूँ। चाची ने यहाँ भी पूरा मतलब गार्डनिंग कर रखी है अपने। यहाँ पे मिर्ची, अरबी, अरबी हमारे यहाँ पिनाव बोलते हैं उसे, और ही बहुत कुछ लगा रखा है इनने, उस तरफ भी लगा रखा है। और ये संतरे का पेड़ इसमें बहुत ही कम आ रखे हैं, और ये छोटा सा पेड़ भी है। पहले थे नीचे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़, लेकिन अब पता नहीं लुप्त हो गए वो पेड़। हमारी तुलसी, आज चाची ने फिर इसमें कुछ खजर वजर करी है तुलसी में, उसकी मिट्टी में कुछ चेंजेस करें ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और चाची यहाँ हाथ मुँह धो रही है मस्त। चाची ने कहा बाथरूम में कहाँ जाऊँ, यहीं धो लेती हूँ, पौधों को पानी भी मिल जाएगा, डबल काम, एक साथ दो काम। तो अभी बच्चों के हैं शाम के 6, और मैं अभी थोड़ा मंदिर के पीछे आया था, यहाँ हमारा मंदिर है जो आगे से देखा आपने। अभी मैं जा रहा हूँ, नीमा दीदी हैं उनके घर में, उन्होंने स्पेशली कहा था कि उन्हें उनका घर दिखाना है, वो दिल्ली रहती हैं, उनकी शादी हो चुकी है तो उन्होंने मायका देखना अपना। तो ये दीदी के यहाँ का रास्ता है, थोड़ा ख़राब हो चुका है, ऐसा है ये यहाँ पे। तो दीदी देख लो भाई, ऐसा चल रहा है तुम्हारे यहाँ, सब प्रोडक्शन इतना सारा कर रखा है घर वालों ने। तो ये है नीमा दीदी का घर। नीमा दीदी अच्छे से देख लो, ये सब ताई जी ताऊ जी ने खेती बाड़ी कर रखी है। ये जो माल्टे दिखा रहा था सुबह, दीदी के यहाँ भी है। ये दीदी लोगों ने यहाँ पे ये सब मिर्च लगा रखी है, सब कुछ कर रहा है ये दीदी लोगों की लकड़ियाँ। तो दीदी आपको याद आ रही है, कमेंट में बताना, याद आ ही रही होगी यार, मायके की याद आती है। तो ये घर, ये आप लोगों ने मिर्ची लगाई है, यहाँ है नहीं, यहाँ ताऊजी ताजी कोई है नहीं, मैंने सोचा उनसे बात करूँगा पर कोई है ही नहीं। अब चलते हैं यहाँ से, कहीं रोड में दिखेंगे तो बात करेंगे। अभी मैं और योगी भाई आपको अपने गांव का दूसरी तरफ का दृश्य दिखाते हैं। आपने उस तरफ से तो काफ़ी देखा, आज इस तरफ से भी देखना। ये योगी भाई आगे आगे चल रहे हैं, इन्होंने कहा चलो कहीं ले चलते हैं तुम्हें। ये हमारे योगी भाई, तो यहाँ से कुछ ऐसा है, इधर की तरफ ऐसा है हरा भरा।
थोड़े से पहन लेता तो सीन आती पूरी अच्छी तरीके से। ये हमारे सोनू भाई ओ पंडित जी आओ चलो, और कैमरा मैन हमारे योगेश भाई अपना चेहरा छुपा रहे हैं। चल दिन पड़ गया यार। तो अभी मैं जस्ट घर पर पहुंच रहा हूं, वहां पे फिर से कुछ था नहीं दिखाने के लिए, कुछ ज़्यादा हंसी मजाक हो नहीं पाया। खैर हंसी मजाक तो हुआ था पर वो दिखाने लायक नहीं हंसी मजाक का। तो अभी जस्ट घर पर आ रहा हूँ, मम्मी के साथ ही बैठा हुआ था मैं, थोड़ा ऐसी गपशप मार रहे थे हम। तो मैंने सोचा अब रात भी हो रही है तो ब्लॉग एडिट करेंगे, तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज जो था स्पेशली नीमादी के लिए बनाया था मैंने, तो नीमादी के बाद तो मम्मी नीमादी के बारे में कुछ कहना चाहेगी तू? हाँ चाहूंगी मैं। नीमा और ठीक ठाक है? तो तेरे बच्चे ठीक हैं? हाँ। कब आएगी आप घर? आना कभी गर्मी में? बहुत टाइम हो गया क्या? हाँ बहुत टाइम हो, 3-4 साल हो गए शायद इसको। अब तो तेरे को देखने जैसी भी लगी है फिर हमको। हाँ, देखा लड़की हुई है हमारी, तो आना कभी। हाँ बस, तो भाई अब रक्षाबंधन में आना। रक्षाबंधन में आना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हाँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। ओके।